बहुत ही अब इधर शोर में पीछे वो कह गया राजेंद्र चेयरमैन पांच मिनट टिकाई तो बैठ जाओ सारे, आगे पांच बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, तीन रैली और है, ये वानर सेना तो रुके को नहीं, ताम टिक जाओ सारे। बहुत ही सम्मानित मातनेल गांव की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे बड़े भाई, इस चुनावी रण में मेरे सहयोगी बनकर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की लड़ाई लेने के लिए साथ चलने वाले लोकसभा के पूर्व में रहे सदस्य डॉक्टर अशोक तंवर जी मंच पर विराजमान, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश कादयान जी, आपके जिला के अध्यक्ष भाई राकेश जाखड़ जी, हल्का इकाई के अध्यक्ष दादा महावीर शर्मा जी, हमारे बीच में आपके बेटे हमारे प्रत्याशी भाई नसीब सोनू जी, कलानौर के हमारे प्रत्याशी जिला परिषद के वाइस चेयरमैन राजेंद्र वाल्मीकि जी, यहां पर मौजूद जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथियों, और आज छोटे से नोटिस में क्योंकि बादली की सभा थी, जज्जर आरोड़ ने कहा 10 बजे आ जाओ, चाहे हमारे 5 मिनट लगा जाओ, डेढ़ दिन के नोटिस पर भी हजारों की तादाद में अपना प्यार देने आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि जो प्यार आपने सोनू को इस पूरे सफर में देने का काम किया है, आज 60 घंटे से भी कम का समय बाकी है, मैं तो उम्मीद करूंगा इस 60 घंटे के समय के अंदर इस मैदान में बैठा हुआ एक एक साथी, एक एक बुजुर्ग अपने आप को दुष्यंत समझकर इस मैदान में लड़ाई लड़ेगा और सोनू को यहां से जिताने का काम करेगा। और एक चीज जरूर बोल दूंगा, 60 घंटे में नारे लगाने, अब मेरी बात सुन लो, 5 मिनट की बात। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बताऊंगा, ये सोच लो कि टिकट सोनू को दी तो सोनू को नहीं, आपके गांव को टिकट देने का काम पार्टी ने किया था, इस छत्तीसी को देने का काम। आज सोनू के पास कोई बीजेपी और कांग्रेस की तरह करोड़ों पैसे नहीं है, आज आम घर का जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव जीता तो आपके भरोसे से जीता, और आज भी उसी भरोसे के साथ पार्टी ने इसको आपके बीच में उतारा है। आज कांग्रेस वाली देख लो करोड़पति है नहीं है, बीजेपी वाला डॉक्टर करोड़पति है नहीं है, अब इन दो खागड़ों के आगे इस गौ हत्या को ना कर देना, अब ये सोच लेना इसका चुनाव अगर लड़ना है तो सिर्फ आपने लड़ना है, अगर सोनू जीतेगा तो गांव जीतेगा, ये छत्तीसी जीतने का काम करेगी। और एक चीज मान के चलो, आज झज्जर जाना पड़ेगा, झज्जर जाके भी घर पे पूछना पड़ेगा कि भाई विधायिका है, डॉक्टर है, इसने बारे में तो पूछने की जरूरत को नहीं, ये तो सड़क पे घूमता फिरता, टोया पकड़ लियो, पकड़ के जठे ले जाना है, ले जाइए, वही आपके साथ भी जाएगा। मैं तो आपको इतना बोलना चाह रहा हूं कि इस पूरे चुनावी सफर के अंदर आज 51वीं सभा है, और इस 51वीं सभा के अंदर जो प्यार हरियाणा की जनता का मिला, जो आज से 11 महीने पहले लोग हमें कहते थे
कि ये तो 200-300 छोरों का टोल घूम रहा है। मुझे याद है जब बातें ने नाने का मौका मिला था, एक जोश के साथ डूट जा मैं भी उठक बैठक भी कटवाऊंगा। उस सभा के बाद प्रदेश में एक सफर की शुरुआत हुई और उस सफर ने प्रदेश में एक ऐसी लहर चलाई कि साथियों कल प्रधानमंत्री भी मंच से क्या बोलता है, जे जे पी भाई थारी आधी जीत तो होगी कि 11 महीने के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री को थारी पार्टी का नाम याद हो गया, और आधी जीत जद होगी जब 40 से ऊपर विधायक बनाकर प्रदेश में राज बनाने का काम करोगे। और राज कैसे बनेगा, मैं तो रोडवेज वाली बस लेके चल लिया, रोडवेज की बस में कितनी 53 कुर्सियां होती है, ड्राइवर तो मैं हूं, तवर साहब मेरे साथ चल लिए इस मुहिम में। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है सीटें बुक होती जा रही है। आज दो खड़े हैं आपके बीच में, जज्जर वाली सीट भी खाली है और कलानौर वाली सीट भी खाली है। मैं तो आज ये कहने आया हूं इसकी टिकट काट दूं, बिठा लूं बस में, बता दे थारे भरोसे पर है छोरा। मगर मंडना पड़ेगा 60 घंटे, न्यूज सोचो कि मोबाइल उठाए फोटो खींचे सोनू चुनाव जीत जाएगा, सोनू चुनाव न्यू नहीं जीतेगा, सोनू जीतेगा जब सारे मंड के एक एक वोट चाबी वाले बटन पे दबाने का काम करोगे। और हुड्डा साहब तो आधी हार मान चुके, भाषण देते हैं भाई कांग्रेस साले कांग्रेस ने वोट दे दियो नहीं तो बीजेपी ने दे दियो, देखी होगी वीडियो, मान लिया। अरे बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा करडे होके लग जाओगे तो इस बारी परिवर्तन, जो झज्जर की सीट पे कितने साल हो गए विधायक जिताए, 15 हो लिए प्रधान जी, बुढ़ापा आ लिया, 15 हो लिए, 15 साल बाद आज इतिहास रच के दिखाने का आपके हाथ में मौका है। हाथ आई न्यू मंडी रहेगी तो जीत जा देगी। मेरी तो विनती है, अपील है कि अब आप सबको पूरी मेहनत लगन के साथ इस मैदान में उतरना है। साथ करते थे वो कहा लड़ाई को आप लड़ने का काम करोगे, या ऐसे लोगों को ताकत दोगे जो कहीं ना कहीं हमारे इस प्रदेश को खोखला करते आ रहे। और मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया हूं, राज बना दोगे तो अब ग्रुप डी में क्लर्क के एग्जाम में ये 300-300 किलोमीटर मारी